जी ममानी जान, ठीक है, मैं मामा से बात करके आपको ज़रूर बताऊंगी। मैं और एहसन भी बिल्कुल ठीक हैं। जी ज़रूर, हम लोग आपके घर ज़रूर चक्कर लगाएंगे। एक्चुअली बहुत लेट आ रहे हैं ना आजकल हॉस्पिटल से, तो जैसे ही इनको वक्त मिलेगा हम ज़रूर आएंगे। चलें ठीक है, फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। किसकी कॉल थी? मुमानी ओ मानी जान का फोन था। जान, क्या बात है, बड़ी बात है जो कॉल कर ली उन्होंने आज। हैरत तो मुझे भी हो रही थी, मगर उन्होंने अपने मतलब से ही कॉल की थी। कैसा मतलब? उनकी कोई भांजी है, आजकल अमेरिका से आई हुई है, तो मुझसे कह रही थी कि मैं मामा से बात करूं जुहेब भाई के लिए। उन्होंने काफी सालों के बाद जुहेब भाई को हमारी शादी में देखा था, तो बस। तो अच्छी बात है, तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। वैसे भी कहीं ना कहीं तो जुहेब के लिए लड़की देखनी ही है, इसी बहाने ताईजान का अपने मैके वालों से रिश्ता मजबूत हो जाएगा। आपको पता, मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मेरी शादी से पहले ना जहेब भाई की शादी होती, मैं अपनी भाभी के साथ कुछ वक्त गुजारती, कितना मजा आता। ओ भाई हेलो, क्या हो गया है? तुम भी इसी घर में रहती हो? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे रुखसत होगी किसी और शहर से यहाँ पे आई हो। और जब जुहेब की शादी हो जाएगी तो तब भी अपनी भाभी के साथ यहीं पे रहोगी? नहीं ना, अब की बात अलग है, शादी के बाद की बात अलग हो जाती है ऐसा, अब पहले जैसी बात नहीं है। लेकिन मुझे तो सब पहले जैसा ही लगता। मर्द है ना आप, इसीलिए रिलेट नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है कि मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल गया, चाची जान, सारा, सबका रवैया कुछ मुख्तलिफ है। मानूर, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम तो जानती हो घर के मसले मसालों में कितना इजाफा हो गया है, तो शायद इसी वजह से तुम्हें फील होता हो कि मामा का रवैया तुमसे चेंज हुआ हो। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं और सारा के साथ भी तुम्हारी दोस्ती वैसी की वैसी तो है। खैर ये बताएं, खाना लगाऊं आपके लिए? मुझे भूख नहीं है, थका हुआ हूं, आराम करूंगा। चलें ठीक है, आप आराम कर लें, मैं किचन देख के आती हूँ। ओके।